सो हे गाइस, आप लोगों ने जो कल की वीडियो पे कमेंट्स किए थे मैं उनको पढ़ ही रहा था। तो यहाँ पे एसबी आर्मी ने कमेंट किया है कि मनु भाई, अगर हमारे इंडिया सर्वर एक तरह से इंक्यूबेटर को हटा दिया जाएगा तो हमारे पास जो स्टोन है उनको हम लोग कैसे यूज कर पाएंगे। या फिर गाइस, आप में से काफी सारे बंदे ऐसे भी है जिनके पास ओल्ड इंक्यूबेटर के ब्लूप्रिंट पड़े हुए हैं, एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गाइस मेरे पास भी टोटल 12 स्टोन है। अगर इंक्यूबेटर हटा दिया जाएगा तो ये 12 स्टोन मेरे पास किसी भी काम के नहीं रहेंगे। तो गाइस बिल्कुल भी टेंशन मत करिए, आज के वीडियो आप लोग को बताऊंगा कि इंक्यूबेटर जाने के बाद आप लोग अपने ब्लूप्रिंट एंड स्टोन को कहाँ पे यूज कर पाओगे, कौन से रिवार्ड्स आप लोगों को फ्री में क्लेम करने को मिलने वाले हैं। साथ ही गाइस हम लोग बात करेंगे टू नाइट अपडेट के बारे में, यानी कि आज रात 12 बजे आप लोग हमारे गेम में क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा गाइस हम लोग बात करेंगे आप लोग के नेक्स्ट टॉप अप इवेंट डबल डायमंड टॉप अप इवेंट के बारे में, और भी काफी सारी नई अपडेट्स होने वाली आज के इस वीडियो में। सो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर से देखते रहना। पर गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहने वाली है कि अगर आप लोगों को आज की हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो, क्योंकि मैं आप लोग के लिए हमेशा इसी तरह गर्ना प्रभाव है कि यार एक छोटी छोटी अपडेट वीडियोस लेकर आता रहता हूं। सो गाइस अगर आप लोगों ने दोनों काम मेरे लिए कर दिया तो बिना किसी देरी के बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस बात करें सबसे पहले अपडेट के बारे में, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते, मैंने आप लोगों को बताया था इस मैजिकल लैंप वाले प्रोफाइल एनिमेशन के बारे में, जो कि हमारे इंडिया सर्वर आप लोगों को फेडल विन में देखने को मिल चुका होगा। बात करें भाई इस प्रोफाइल एनिमेशन को कितने डायमंड निकालने में लग जाएंगे, तो गाइस सबसे पहले तो आप लोग को एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि सबसे पहले तो भाई आप लोग का लक डिपेंड करता है। अगर आप लोग का लक बहुत ज्यादा अच्छा हो तो क्या पता आप लोग को फर्स्ट स्पिन में, सेकंड स्पिन में या थर्ड स्पिन में यहाँ से प्रोफाइल एनिमेशन निकल जाए। लेकिन अगर हो सकता है कि आप लोग का लक काम ना करे तो गाइस यहाँ पे आप लोग को 9, 19, 39, 69, 149, 149 एंड 499 का स्पिन देखने को मिलेगा, यानी कि इस फेडरल इवेंट में आप लोग के मैक्सिमम 1082 डायमंड लगने वाला है। तो अगर आप लोग चाहो तो इसे निकाल सकते हैं। बाकी अगर बात करें टू नाइट अपडेट के बारे में, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये जो स्काई बोर्ड किसी ने कल आप लोग हमारे इंडिया सर्वर बिल्कुल भी फ्री में क्लेम करने को मिलने वाली है, यानी कि अगर कुछ मिशन वगैरह आप लोग को इसके लेने के लिए कम्प्लीट करना पड़ेगा। तो गाइस ये तो बात होगी आप लोग की टू नाइट अपडेट के बारे में। इसके बाद में गाइस वीडियो आगे बढ़ते हैं, बात करें आप लोग के एक और प्रोफाइल एनिमेशन के बारे में, तो मैं आप लोग को बता दूंगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि मैंने आप लोग को कल की वीडियो में बताया था कि ये जो प्रोफाइल एनिमेशन है आप लोग हमारे नेक्स्ट मंथ में, यानी कि प्रोजेक्ट क्रिमसन के इवेंट में न्यू इवोल्यूशन बंडल के साथ नजर आने वाला है, यानी गजर अलग से आप लोगों को कोई भी फेडरल एंड में प्रोफाइल एनिमेशन देखने को नहीं मिलेगा। सो अगर आप लोग यो बंडल निकालने वाले तो ये प्रोफाइल एनिमेशन आप लोग को वैसे ही मिल जाएगा। बाकी गजर आप लोग के लिए एक प्रोफाइल एनिमेशन और निकल कर आ रहा है, जो कि आप लोग को रिटर्न में देखने को मिल सकता है। कुछ सर पर रिटर्न में देखने को मिल भी रहा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। आप लोग को याद तो होगा ये वाला गार्डियन ड्रैगन वाला प्रोफाइल एनिमेशन आप लोग हमारे इंडिया सुपर गैलेक्सी हाइपरबोल के टाइम देखने को मिला था। तो गजर ये वाला प्रोफाइल एनिमेशन कुछ तरह पर रिटर्न में आना स्टार्ट हो चुका है, एंड गजर इसी के साथ में स्काइविंग स्क्रीन भी रिटर्न में देखने को मिल रही है। तो देखा जाए तो गाइस ये वाला प्रोफाइल एनिमेशन भी काफी ज्यादा ओपी था, एंड हो सकता है आप में से काफी सारे बंदे ऐसे हो जो कि यार इस प्रोफाइल एनिमेशन को उस टाइम नहीं निकाल पाएंगे। तो गाइस ये वाला प्रोफाइल एनिमेशन एक दो सर पर अभी रिटर्न में आ रहा है, हो सकता है गाइस आप लोग को आने वाले कुछ दिनों में हमारे इंडिया सर्वर भी रिटर्न में देखने को मिल जाए। तो मैंने आप लोग को आज ये भी दिखा दिया। इसके बाद में गाइस वीडियो आगे बढ़ते हैं, बात करें आप लोग के नेक्स्ट टॉप अप इवेंट या डबल डायमंड टॉप अप इवेंट के बारे में। सो गाइस मैं आप लोग को बता दूं, जैसे कि आप लोग को पता भी होगा हर एक ओबी अपडेट में आप लोग हमारे इंडिया सर्वर एक डबल डायमंड का लेसिस मोर का टॉप अप जरूर से देखने को मिलता है, और गजर पीडी सर्वर पर तो रमजान स्पेशल डबल डायमंड का टॉप अप देखने को मिल भी चुका है। लेकिन वहीं पे बात करें इंडिया सर्वर के बारे में, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि गज ना तो हमारे इंडिया सर्वर फ्री की ग्लोबल स्किन क्लेम करने को दी गई है, और ना ही गज अभी तक आप लोग हमारे इंडिया सर्वर डबल डायमंड या लेसिस मोर का टॉप अप देखने को मिला है। तो गजर जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो ग्लोबल स्किन है लगभग सभी सर्वर फ्री में क्लेम करने को मिली है, एंड मैंने आप लोग को बताया था कि पाकिस्तान सर्वर पर जिस तरीके से विशेष कंप्लीट करने का माइलस्टोन रखा गया था, 17 लाख विशेष भी कंप्लीट हो गई थी, एंड ऑल सर्वर के लिए ये वाली फ्री की ग्लोबल स्किन अनलॉक हो गई थी, लेकिन अभी तक हमारे इंडिया सर्वर देखने को नहीं मिली है। तो गाइस पता नहीं गन्ना फ्री फायर वाले ये वाली ग्लोबल स्किन को आप लोग कौन से एंड देने वाले। रही बात टॉप इवेंट की, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 26 तारीख से लेकर 2 तारीख तक आप लोग हमारे इंडिया सर्वर कुछ इस तरीके का टॉप इवेंट देखने को मिलेगा, जिसमें अगर आप लोग हमारे एक स्काई बोर्ड की स्किन देखने को मिल जाएगी, एंड गाइस एक आप लोग को घटाना की स्किन देखने को मिलने वाली है। और गाइस टॉप इवेंट काफी ज्यादा बढ़िया होने वाला है, क्योंकि 100 डायमंड में आप लोग को घटाना स्किन देखने को मिल जाएगी। बाकी 300 डायमंड का टॉप करके आप लोग क्या ही करोगे, एक स्काई बोर्ड स्किन मिलेगी तो कोई फायदा तो होगा नहीं। तो आप लोग कटाना स्किन लेना चाहते हो 100 डायमंड का टॉप अप कर सकते हो। बाकी रही बात आप लोग के डबल डायमंड या लेसिस मोर टॉप अप इवेंट के बारे में, तो आप लोग को हर एक अपडेट में एक डबल डायमंड का लेसिस मोर का टॉप इवेंट दिया जाता है। तो अभी तो आप लोग के डबल डायमंड टॉप इवेंट को लेकर कोई भी अपडेट निकल कर नहीं आ रही, लेकिन जैसे कुछ पता लगा तो मैं आप लोग को जरूर से बता दूंगा। चलो गाइस इसके बाद में आप लोग को बताने वाला हूँ हमारे न्यू टोकन व्हील इवेंट, एंड गाइस हमारे इंडिया सर्वर पर आप लोग इंक्यूबेटर स्टोन को किस तरीके से कौन से इवेंट में यूज कर पाओगे, सारा कुछ मैं आप लोग को बताऊंगा। लेकिन गाइस उससे पहले अगर आप लोग अभी तक मेरी वीडियो पे बने और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को आप
अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो ताकि आप लोग को हमेशा इसी तरह गर्ना फ्री फायर की हर एक छोटी से छोटी अपडेट वीडियोस मिलती रहेंगे। आप लोग आने वाली कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाओगे। सो गाइस अब वीडियो आगे बढ़ते हैं, बात करें आप लोग की नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हमारे इंडिया सर्वर पर कितने सारे नए नए टोकन वेरिएंट आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। मतलब कि एक टोकन वेरिएंट जाता नहीं कि भाई आप लोग को दूसरा नया टोकन वेरिएंट देखने को मिल जाता है। बाकी गाइस आप लोग को रमजान स्पेशल दोनों ही टोकन वेरिएंट हमारे इंडिया सर्वर पर देखने को मिल चुके हैं। एंड गाइस आप लोग के लिए यहाँ पे एक और न्यू टोकन व्हील इवेंट निकल कर आ रहा है जो कि भाई आप लोग को हमारे इंडिया सर्वर पर नेक्स्ट मंथ में देखने को मिल सकता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का रेड लाइट 2023 का न्यू टोकन व्हील इवेंट निकल कर आ रहा है। सो गाइस इस वाले टोकन व्हील इवेंट में आप लोग को जितने भी बंडल्स दिए गए सभी के सभी गाइस आप लोग को रेड कलर में देखने को मिलने वाला है। बाकी गाइस यहाँ पे आप लोग को हमारा एक न्यू OB39 अपडेट का बंडल दिया गया जो कि भाई अभी तक हमारे इंडिया सर्वर पर देखने को नहीं मिला है। एंड एक्सचेंज स्टोर में भी गाइस आप लोग को हमारे यू क्रेट्स देखने को मिल जाता है। तो गाइस कुछ इस तरीके का आप लोग के लिए न्यू टोकन व्हील इवेंट निकल कर आ रहा है जो कि भाई आप लोग हमारे इंडिया सर्वर पर आने वाले कुछ दिनों में नजर आने वाला है जो कि मैंने आप लोग को यहाँ पे दिखा दिया। इसके बाद में गाइस वीडियो आगे बढ़ते हैं, बात करें आप लोग की नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आप लोग को पता ही होगा कि 1 जून से हमारे इंडिया सर्वर से इनक्यूबेटर एंड डायमंड रोल दोनों को हटाया जा रहा है। और गाइस यहाँ पे गन्ना फ्री फायर ने ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट भी कर दिया था कि आप लोग पास जितने भी इनक्यूबेटर के वाउचर या डायमंड रोल के वाउचर पड़े उनको इस्तेमाल कर लेना क्योंकि भाई ये आप लोग के 1 जून के बाद किसी भी काम के नहीं रहेंगे एंड आप लोग इन्हें कहीं पे भी यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन गाइस अभी भी आप में से काफी सारे बंदों के मन में यही डाउट्स है कि हमारे पास जितने भी इनक्यूबेटर के ब्लूप्रिंट या स्टोन पड़े हुए हैं क्या हम लोग उनको कहीं पे भी यूज नहीं कर पाएंगे। तो मैं आप लोग को बता दूं गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग पुराने इनक्यूबेटर के ब्लूप्रिंट एंड स्टोन दोनों को ही यूज कर पाओगे क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल गन्ना फ्री फायर ने जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोग को वाउचर्स यूज करने के लिए बोला है। अगर वो चाहते तो गाइस आप लोग को ब्लूप्रिंट वगैरह या स्टोन वगैरह को भी यूज करने के लिए बोल सकते थे लेकिन गाइस उन्होंने ऐसा नहीं किया है। तो एक तो ये हो सकता है गाइस इनक्यूबेटर एंड डायमंड रोल हट जाने के बाद आप लोग को नए तरीके से कोई नया लक रोल देखने को मिल जाए जिसमें आप लोग के फिक्स डायमंड रहेंगे कि भाई इतने डायमंड तो आप लोग को पक्का रिवार्ड मिल ही जाएगा क्योंकि गाइस ये जो लक रोल थे वो एक बैटिंग की तरह थे। जितने भी आप लोग डायमंड स्पेंड करते थे उसमें कोई भी फिक्स नहीं होता था कि भाई आप लोग को ब्लूप्रिंट निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो कुछ इसी तरीके से गन्ना फ्री फायर कर रहे हैं कि भाई आप लोग को ऐसा इवेंट लेकर आएंगे जिसमें फिक्स डायमंड रहेंगे कि भाई आप लोग को इतने डायमंड में ये चीज मिल जाएगी। तो एक तो गाइस आप लोग को इनक्यूबेटर डायमंड रोल में चेंजेस नजर आ सकते हैं या गाइस एक आप लोग के लिए यहाँ पे न्यू इवेंट भी निकल कर आ रहा है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इसमें गाइस आप लोग काफी सारे ब्लूप्रिंट एंड स्टोन नजर आ रहे होंगे। ठीक इसी तरीके का आप लोग हमारे इंडिया सर्वर इनक्यूबेटर के जाने के बाद एक न्यू इवेंट देखने को मिल सकता है जहाँ पे गाइस आप लोग को इनक्यूबेटर या स्टोन के बदले कुछ फ्री के रिवार्ड्स एक्सचेंज करने को दिए जाएंगे। पर्टिकुलर वो रिवार्ड्स क्या क्या होने वाले इसके लिए तो कोई भी अपडेट नहीं है लेकिन एक एग्जांपल के तौर पर मैं आप लोग को ये वाला इवेंट दिखा रहा हूँ। ठीक इसी टाइप का आप लोग हमारे इंडिया सर्वर इनक्यूबेटर के जाने के बाद इवेंट नजर आ सकता है। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत करिए, जितने भी डायमंड्स लगाकर आप लोगों ने स्टोन या ब्लूप्रिंट निकालने वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने वाले, आप लोग बड़े आराम से उनको यूज कर पाओगे। बाकी गाइस आज के लिए इतना ही, होप करता हूं आप लोग को वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगी। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ जरूर से शेयर कर देना एंड अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करते हो तो जैसे ही मैं आप लोग लिए ऐसी कोई भी न्यू वीडियो लेकर आता हूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। आप लोग मेरी वीडियो सबसे पहले वॉच कर पाओगे तो आप लोग बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे याद से सेट कर लेना। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कोई न्यू इंटरेस्टिंग न्यूज एंड अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Fearless.